Hello friends, welcome on Success Keys. Myself Raveena Bishnoi, and today we are studying about expansion and consolidation of British power in India. This is a continuity lecture. इससे पहले हमने study किया था Battle of Plassey and Buxar के बारे में, कैसे उन्होंने जो बंगाल का region है वहाँ पे अपनी hold जमाई अंग्रेजों ने, फिर उन्होंने कैसे East Coast पे मद्रास पांडिचेरी हमने Battle of Anglo-Mysore वार करी, उसके बाद में हमने Anglo-Maratha वार करी, कैसे इन्होंने जो डिफरेंट पोर्ट सिटीज हैं और जो यहाँ पे पुणे पे अपना राज और बॉम्बे के अंदर यहाँ पे अपना अपना स्थापत्य बना लिया. इसके बाद में हम बात करेंगे जो कंक्वेस्ट ऑफ सिंध एंड पंजाब. अब ये सिंध और पंजाब का रीजन भी इन्होंने अपने अंडर ले लिया, ठीक है. तो हमारे यहाँ पे अगर बात करें अर्ली 19th सेंचुरी से ही इनका ये मंसूबा था. ये चाहते थे कि इनके इंटरेस्ट थे सिंध के अंदर, ये चाहते थे क्योंकि यहाँ पे क्या ये पोर्ट, ये यहाँ पे जो इलाका है ये जो सी से वैसे टच करता हुआ, ये यहाँ पे अपने पोर्ट से ट्रेडिंग रूट चलाना चाह रहे थे, ठीक है, एज लाइक अवर इंडिया, ठीक है, ये है हमारा प्यारा भारत. और इस इंडिया के यहाँ पे अगर हम देखें पाकिस्तान का जो ये साउथ वाला जो रीजन है ये सिंध वाला रीजन आता है, ठीक है. तो यहाँ पे जो ये साउथ वाला रीजन आता है सिंध, और इधर से यहाँ पे इसके पास में लग जाता है अफगानिस्तान. थोड़ा सा मुझे माफ़ कीजिए अगर नहीं सही कुछ है, बट थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे लग रहा है गुजरात इंडिया का, यहाँ पे साउथ के अंदर आ रहा है यहाँ पे पाकिस्तान का सिंध रीजन, और इधर से आ जाता है अफगानिस्तान शुरू, ठीक है. अब क्या चाहिए, ये थोड़ा ये जो जो अफगानिस्तान है बिल्कुल भी टच नहीं करता है किसी भी वाटर बॉडी को, तो ये थोड़ा सा दूर है, थोड़ा ऊपर आएगा इससे, बट आप ये समझिए कि पाकिस्तान के साउथ के अंदर है ये जो सिंध वाला रीजन है, ठीक है. और ये ऊपर जो हमारे पंजाब से पाकिस्तान का भी इधर जो लगा हुआ पंजाब है, तो ये इनका पंजाब वाला रीजन है. तो ये इस वाले रीजन को होल्ड करना चाह रहे थे. अब यहाँ पे बात आ रही है सिंध वाला ज़रूरी इसलिए था क्योंकि ये वाटर बॉडी को टच करता हुआ, यहाँ पे ये पोर्ट बना सकते थे, ट्रेडिंग कर सकते थे, ठीक है. ये काफी इंपॉर्टेंट रीजन था. ये इसलिए भी जो रीजन जरूरी था क्योंकि अगर ये सिंध का रीजन कैप्चर कर लेते हैं तो यहाँ पे ये अफगानिस्तान में आसानी से मूव कर सकते हैं, ठीक है. और अफगानिस्तान उस टाइम पे ऐसा रीजन था, अफगानिस्तान हमेशा ही ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए भी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन में मूव करता है, इससे एक ट्रेडिंग रूट भी है, और यहाँ पे इस टाइम पे अंग्रेजों के लिए एक बफर जोन था, ठीक है. अब जैसे कि इनको ये लग रहा था कि इधर से फ्रांसीसी और इधर रशियन अगर आ जाए, क्योंकि उस टाइम इनके कॉलोनियल इंटरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा थे, तो अगर इनको ये डर था कि इधर फ्रांस है, क्योंकि नेपोलियन काफ़ी ज़्यादा विश्व विजेता बन रहा था वहाँ पे, उसको डर था कि कहीं नेपोलियन ना आ जाए, टीपू सुल्तान ने उसके साथ काफ़ी अपने संबंध बनाने की कोशिश करी थी, तो डर था अंग्रेजों को कि कहीं उधर से जो नेपोलियन ना आ जाए, कहीं इधर से रशिया अपनी जो मिलिट्री लेके ना आ जाए, तो इसलिए उसको ये जो सिंध का रीजन था इसको कंक्वर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, यहाँ पे अपना होल्ड बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है. तो अब ये कैसे बनाते हैं होल्ड, जैसे स्टार्टिंग में बात करें कि यहाँ पे ये चाहते थे अर्ली 19th सेंचुरी में अपना यहाँ पे इंटरेस्ट था इनका सिंध के अंदर यहाँ पे, बट इन्होंने ट्रेड फैसिलिटीज तो शुरू हो गई थी क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मुगल एम्परर से 1603 में इनको फरमान मिल गया था, जैसे इनको पहले फरमान मिले थे ट्रेडिंग राइट्स मिल गए थे, प्रिविलेजेस दिए जाने लगे थे इनको, पोर्ट्स ऑफ अ सिंध, अब यहाँ पे बात हो रही ना पोर्ट्स ऑफ अ सिंध, सिंध के जो पोर्ट थे वहाँ पे इनको ट्रेडिंग काफ़ी छूट थी, ठीक है. राइज ऑफ तलपुरज एंड अमीर्स, ठीक है. तो यहाँ पे तलपुरज एंड अमीर का जो राइज होता है यहाँ पे, ये कैसे होता है, पहले इनसे पहले जो थे यहाँ पे ये रूल कर रहे होते हैं कलोरा चीफ्स 18th सेंचुरी में, इनके तलपुरज और अमीर के आने से पहले यहाँ पे कलोरा चीफ्स होते हैं. 1758 के अंदर इंग्लिश एक फैक्ट्री बिल्ट करते हैं एट अ थट्टा, 1758 में अंग्रेज एक फैक्ट्री लगाते हैं थट्टा के अंदर, किस लिए लगा देते हैं ये बोलते हैं कि भाई हमें परवाना मिला हुआ है या फरमान मिला हुआ है प्रिंस से, कौन से प्रिंस से, कलोरा प्रिंस से, गुलाम शाह, जो उस टाइम पे कौन होते हैं गुलाम शाह, ठीक है. तो यहाँ पे अपनी एक फैक्ट्री ऐसा नहीं है कुछ की कोई इंडस्ट्री लगा रहे हैं, फैक्ट्री मतलब कि यहाँ पे एक यहाँ पे गोदाम टाइप की जो चीज़ होती है
यहाँ पे जो ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे अपना सामान इकट्ठा करना, फिर यहाँ से वापस आगे लेके जाना, तो ये गोदाम टाइप का होता है, ठीक है। 1761 के अंदर गुलाम शाह ऑन द अराइवल ऑफ इंग्लिश रेजिडेंट, जब यहाँ पे एक इनके कोर्ट के अंदर इंग्लिश रेजिडेंट आते हैं इनके कोर्ट के अंदर, तो यहाँ पे नॉट ओनली रेटिफाइंग, ये पुरानी ट्रीटी को ही रेटिफाई नहीं करते, साथ के साथ ये एक्सक्लूड करते हैं कुछ यहाँ पे इनसे ये बोला जाता है कि आप यूरोपियंस जो और भी ट्रेडिंग यहाँ पे कर रहे हैं उनको यहाँ पे एक्सक्लूड कर दीजिए, उनको यहाँ से हटा दीजिए, हमारी तो प्रिविलेज है जो है ही, पर और किसी को यहाँ पे ट्रेडिंग मत करने दीजिए, ठीक है। एंड यहाँ पे ये जो सारा जो काम धाम होता है इनका 1761 से 1705 चलता रहता है और किसी यूरोपियन को आने नहीं देते, इनकी पूरी मोनोपोली चल रही होती है अंग्रेजों की। बट अब आते हैं सरफराज खान जी, यहाँ पे इतने ज़्यादा ये फ्रेंडली नहीं होते हैं अंग्रेजों के साथ। 1770 के अंदर जो एक बलूच ट्राइप होती है, जो होती है तलपुराज, ठीक है, एक बलूच ट्राइप होती है बलूचिस्तान वाले एरिया में, ये भी हम आप देखते होंगे, ये भी पाकिस्तान के ऊपर नॉर्थ वाला जो रीजन है वहां से ये जो ट्राइब होती है ये हिलों से उतर के नीचे आ जाती है, प्लेन्स ऑफ सिंध के अंदर आ जाती है, और ये बहुत ही एक्सीलेंट सोल्जर्स भी होते हैं, और ये काफी हार्श लाइफ, जैसे हिली रीजन में रहते हैं तो ये काफी हार्श लाइफ भी जी के आए होते हैं। यहाँ पे 1783 के अंदर यही जो तलपुराज होते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ मीर फतेह अली खान, ये यहाँ पे सिंध के अंदर पूरा होल्ड बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे होल्ड बनाने के बाद सेंट द कलोरा प्रिंस, और यहाँ पे इनके जो प्रिंस होते हैं यहाँ पे, ये जो जो सरफराज खान की बात होती है, इनको देश निकाला मिल जाता है। उसके बाद में जो दुरानी मुराक होते हैं, कन्फर्म द क्लेम्स ऑफ द मीर फतेह अली खान, जो दुरानी मोनार्क होती है यहाँ पे, ठीक है। अब ये यहाँ पे दुरानी मोनार्क का किसका जिक्र हो रहा है, दुरानी मोनार्क या दुरानी जो डायनेस्टी थी ये अफगानिस्तान की डायनेस्टी थी, ठीक है। तो यहाँ पे इनको यहाँ पे अफगानिस्तान के डायनेस्टी से यहाँ पे इनको क्लेम, इनको कन्फर्मेशन मिल जाती है, ठीक है, बहुत बढ़िया किया आपने, यहाँ पे रूल कर सकते हैं आप यहाँ पे, बट आप अपने साथ में अपना शेयर कुछ दीजिए अपने ब्रदर्स को भी, जिन्हें बोला जाता है चरियार्स, ठीक है। अब जब मीर फतेह जो डाइड होते हैं 1800 के अंदर, तो अब ये चरियार होते हैं ये किंगडम को डिवाइड कर लेते हैं आपस में, और ये अपने आप को क्या घोषित करते हैं, अमीर्स या लॉर्ड्स ऑफ अ सिंध, ठीक है। जो अमीर्स, ये जो उपाधि होती है अफगानिस्तान में होती है, यहां पे ये खुद को यहां के अमीर घोषित करते हैं या लॉर्ड घोषित करते हैं, लॉर्ड ऑफ अ सिंध, ठीक है। अब ये अमीर जो अपना डोमिनियन एक्सटेंड करना चाहते हैं ऑल ओवर द रीजन के अंदर, ठीक है, ये सबसे पहले कंक्वर करते हैं अमरकोट को फ्रॉम राजा ऑफ जोधपुर, ठीक है, क्योंकि इनके साथ में मैं अब आपको बता रही हूं कि साउथ ऑफ ये गुजरात और ये राजस्थान का एरिया इनको साथ में लग गया, तो ये अमरकोट की तरफ यहां पे मूव करते हैं, राजा ऑफ जोधपुर से कॉन्क्वर कर लेते हैं ये अमरकोट, ठीक है। देन कराची ले लेते हैं फ्रॉम द चीफ ऑफ लूज, ठीक है, साथ ही साथ शिकरपुर एंड बुखार ले लेते हैं अफगान से भी, ठीक है। तो यहां पे आप इनकी एक्सटेंशन देख सकते हैं कि ये तलपुराज ने कहां तक एक्सटेंशन करी है। Then the gradual ascendancy over the Sindh. अब gradual ascendancy, अब ये common belief यहाँ पे ये होता है कि 18वीं सेंचुरी के अंदर अब नेपोलियन की कंस्पायर कर रहा है आपस में, षड्यंत्र रच रहा है टीपू सुल्तान के साथ में, मतलब ये अपने आप ही सिंध बाद में गिर जाता है। कैसे गिर जाता है, कि उनको डर लगता है अंग्रेजों को ये कि नेपोलियन टीपू सुल्तान के साथ मिल रहा है, इंडिया के अंदर आना चाह रहा है। 1799 के अंदर लॉर्ड वेल्सली, बिहाइंड द लॉर्ड वेल्सली का जो एफर्ट होता है कि वो दोबारा से यहाँ पे कमर्शियल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं सिंध के साथ, कि भाई यहाँ पे तापुर जो ये जो अमीर्स आए हैं इन्होंने जो इनके ट्रेड को काफ़ी ज़्यादा हार्म किया, तो ये चाहते हैं कि भाई हमारे जो पोर्ट से जो हमारा जो ट्रेड चल रहा था वो चलता रहे, हमारे कमर्शियल जो रिलेशन है दोबारा से रिवाइव हों, ठीक है। एंड वाज हिडन एम, और मेनली इनका एम तो ये नहीं होता, एम इनके पीछे इनका ये होता है कि भाई यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करें किसको, जो पहले फ्रांसीसियों ने, टीपू सुल्तान ने और शाहजमान जो काबुल की मोनार्क होती है, ठीक है, काबुल अफगानिस्तान, क्योंकि ये अफगानिस्तान में भी मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इन्होंने ये जो एक यहाँ पे एक अलायंस बनाया है इसको काउंटर करने के लिए, ये इसलिए यहाँ पे इनके पास आते हैं कि यहाँ पे इनसे हेल्प मांगते हैं, नेगोशिएट करते हैं, ओपनली नेगोशिएट कर देते हैं ये फतेह अली खान के साथ। बट एंड
अब इनकी नेगोशिएशन शुरू होती हैं फ़तेह अली खान के साथ से, ठीक है। बट बाद में हम देखते हैं कि टीपू सुल्तान का यहाँ पे काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है और लोकल जो ट्रेडर्स होते हैं वो भी अंग्रेज़ों से ना खुश होते हैं। ये तो हमारे इंडिया के अंदर भी होते हैं, भी ये लोकल ट्रेडर इनसे काफ़ी ना खुश होते हैं, एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट होता है इनके अंदर। तो जो अमीर 1800 के अंदर एक ऑर्डर देते हैं ब्रिटिशर्स एजेंट को कि आप यहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा उठाइए और 10 दिन से यहाँ पर रफा दफा हो जाइए, ठीक है। ब्रिटिश एजेंट उस टाइम पर कौन होता है, क्रो। इनको सिंध छोड़ के जाना पड़ता है, तो यहाँ पे देखते हैं कि इनकी काफ़ी इंसल्ट हुई होती है। उसके बाद में होती है ट्रीटी ऑफ अटर्नल फ्रेंडशिप, अटर्नल हम निरंतर भाई भाई बन के रहेंगे, ऐसी एक ट्रीटी होती है 1807 के अंदर। अलायंस होता है टिलसित विद अलेक्जेंडर वन ऑफ रशिया, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रीटी संधि होती है, यहाँ पे तिलसित नाम की जगह में अलेक्जेंडर वन ऑफ रशिया और नेपोलियन बोनापार्ट आपस में मिलके एक अलायंस करते हैं और यहाँ पे ये कंडीशन रखते हैं कि हम अब आपस में मिलकर कंबाइंड इन्वेड करेंगे इंडिया के अंदर। कैसे, लैंड रूट से जाएंगे हम इंडिया के अंदर, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स की तो हालत बुरी, यहाँ पे ब्रिटिशर्स क्या चाहते हैं कि बैरियर बनाया जाए बिटवीन रशिया एंड ब्रिटिश इंडिया, एक बैरियर, एक इनको यहाँ पे रोका जाए कि वो इंडिया के अंदर ना जाए। अगर ये रशिया और बोनापार्ट दोनों मिलके इंडिया में आ गए तो हमारी तो जो हमने इतने टाइम से यहाँ पे अपनी जो चापलूसियाँ जो षड्यंत्र रचे थे सब कुछ ही खत्म हो जाएगा, यहाँ पे तो अपना कुछ रहेगा ही नहीं, ठीक है। अब वो एक बैरियर बनाना चाहते हैं टू अचीव दिस। यहाँ पे लॉर्ड मिंटो सेंड करते हैं 3 डेलीगेशंस, 3 लोग भेजते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ वेरियस प्रोमिनेंट पर्सन्स होते हैं ताकि ये जाके अलायंस बनाएं। सबसे पहले ये भेजते हैं मेटकाल्फ को, कहां पे, लाहौर के अंदर। एलिफेंट स्टोन को भेजते हैं काबुल, ठीक है, काबुल के अंदर जो अफगानिस्तान की राजधानी होती है, एक को लाहौर भेजते हैं, ठीक है। मेलकॉम टू तेहरान, तेहरान ये ईरान वाला एरिया आ गया, यहाँ पे अफगानिस्तान भेज दिया, जो अभी जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान और ईरान सब एरियाज़ में, तीनों एरियाज़ में यहाँ पे भेज दिए कि भाई यहाँ पे इनको रोका जाए। एंड सिंध वाज विजिटेड बाय, अब सिंध में कौन जाते हैं, निकोलस स्मिथ हु मेट द अमीर्स टू कंक्लूड अ डिफेंसिव अरेंजमेंट, वो उनके साथ कंक्लूड भी डिफेंस बनाना चाहते हैं यहाँ पे कि भाई अगर ये यहाँ पे आ जाते हैं तो आपको भी नुकसान है और हमारा भी नुकसान है, तो इसलिए हम भाई भाई मिलकर कार्य करते हैं। एंड यहाँ पे एक कुछ नेगोशिएशंस होती है, नेगोशिएशंस के बाद में एक ट्रीटी साइन अप होती है विद द इंग्लिश आफ्टर प्रोफेसिंग एन अटर्नल फ्रेंडशिप, भाई अटर्नल निरंतर फ्रेंडशिप रहेगी, बोथ द साइड एक एग्री होती है कि हमें एक्सक्लूड करना है फ्रांसीसियों को सिंध से, यहाँ पे हमें उनको बाहर निकालना होगा। एंड एक्सचेंज द एजेंट्स एट ईच अदर कोर्ट, और एक दूसरे के कोर्ट में अपने यहाँ पे ये एजेंट्स को यहाँ पे एक्सचेंज करते हैं। ट्रीटी दोबारा से रिन्यू होती है 1820 के अंदर, यहाँ पे एक और आर्टिकल डाल देते हैं इस ट्रीटी के अंदर कि एक्सक्लूडिंग द अमेरिकन एंड रिजॉल्विंग सम बॉर्डर डिस्प्यूट, अमेरिकन को भी यहाँ से एक्सक्लूड करना है और जो हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट थे कच्छ के ऊपर, क्योंकि हम देख रहे हैं ना कि गुजरात वाले रीजन में भी ये भी पहुँच जाते हैं, तो कच्छ के अंदर जैसे ये इधर ये भी बढ़ रहे होते हैं जो सिंध वाले रीजन में ये अमीर्स होते हैं, तो ये बोलते हैं कि बॉर्डर डिस्प्यूट भी निपटा लेते हैं थोड़ा। एंड आफ्टर द फाइनल डिफीट ऑफ मराठा कॉन्फेडरेसी 1818 के बाद में मराठा कॉन्फेडरेसी जब खत्म होती है, जब बड़ौदा से जो यहाँ पे मराठा की किंगडम होती है, तो यहाँ पे बोलते हैं कि अब थोड़ा सा हम बॉर्डर डिस्प्यूट भी निपटा लेते हैं क्योंकि हम भी यहाँ तक आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी होता है, ट्रीटी ऑफ 1832 साइन अप होती है, ट्रीटी ऑफ 1832 विलियम बेंटिक एक्सटेंड करते हैं कॉलोनल पॉटिंगर को सिंध के अंदर, एक ट्रीटी साइन करते हैं ये अमीर के साथ। अब ट्रीटी में होता क्या है, ट्रीटी में साफ साफ लिखा होता है कि हमें फ्री पैसेज दे दो थ्रू द सिंध वुड बी अलाउड टू द इंग्लिश ट्रेडर्स, इंग्लिश ट्रेडर्स को फ्री पैसेज मिलना चाहिए सिंध से मूव करने का, और ट्रैवलर्स को भी, और हम यूज़ कर सकें इंडस को फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस, हम इंडस को यूज कर सकें ट्रेडिंग पर्पसेस से, हालांकि हम कोई वारशिप यहाँ पे डिप्लॉय नहीं करेंगे, ना ही कोई ऐसी मटेरियल जो वार के लिए कैरी किया जाता, ना वैसा कोई, बस हमें ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे आना जाना शुरू कर दो। कोई भी इंग्लिश मर्चेंट को वुड सेटल डाउन इन द, नो इंग्लिश मर्चेंट वुड सेटल डाउन इन सिंध, कोई भी इंग्लिश मर्चेंट है सेटल डाउन नहीं होगा सिंध के अंदर। एंड पासपोर्ट विज बी नीडेड फॉर ट्रैवलर, और पासपोर्ट चाहिए होगा ट्रैवलिंग करने के लिए। टैरिफ रेट्स को ऑल्टर किया जाएगा बाय अमीर के द्वारा, अगर वो बहुत ज़्यादा होएगा तो टैरिफ रेट कम भी कर सकता है अमीर, और कोई भी मिलिट्री ड्यूज़ या टोल नहीं लिया जाएगा अमीर के द्वारा।
अमीर वुड वर्क विद द राजा ऑफ जोधपुर, जो जोधपुर के साथ इन्होंने जो इनकी टेरिटरी ली, अब इनके साथ मिलकर कार्य करेंगे कि क्या कार्य करेंगे कि जो यहाँ पे लूटपाट मच रही थी कच्छ के रीजन को, उसको कम करने के लिए कार्य करेंगे। जो पहले जो भी ट्रीटीज हुई हैं वो दोबारा यहाँ पे इन्होंने इसके अंदर कंफर्म करी। एंड पार्टीज वुड नॉट बी जेलस, अब दोनों एक दूसरे से जेलस नहीं होंगे, मतलब कि यहाँ पे मिलकर कार्य करेंगे। ठीक है, अब आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड एंड सिंध। ठीक है, गवर्नर जनरल होते हैं लॉर्ड ऑकलैंड 1836 के अंदर। यहाँ पे ये सिंध को देखते हैं कि यहाँ पे ये इंडिया, ये इस नज़रिए से सिंध को देखते हैं कि यही एक जगह है जहाँ से हम इंडिया को रशियन के इन्वेजन से बचा सकते हैं। यहाँ पे अगर हमने स्ट्रॉन्ग होल्ड अपनी आर्मी रख दी तो रशियन यहाँ पे अंदर से एंटर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्टेन करना चाहते हैं ये अफगानिस्तान के इन्फ्लुएंस को, यहाँ अफगान के ऑप्टेन अ काउंटरेंटिंग इन्फ्लुएंस ओवर द अफगान, यहाँ पे काउंटर करना चाहते हैं, अफगान का इन्फ्लुएंस यहां पे कम करना चाहते हैं, खुद का इन्फ्लुएंस यहां पे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, यहां पे जो यहाँ पे अंग्रेज होते हैं ये चाह रहे होते हैं कि वो यहाँ पे काउंटर करें रशियंस के इन्वेजन को, जो भी कुछ हो रहे हैं उनके अफगान को भी यहाँ पे काउंटर करें वो। उन्हें ये पता होता है कि इधर रंजीत सिंह जी बैठे हैं पंजाब के अंदर, वो स्ट्रांग हैं कि वो किसी को अंदर आने नहीं देंगे। ठीक है, बट यहाँ पे सिंध के रीजन के अंदर, क्योंकि ऊपर पाकिस्तान का जो ऊपर वाला जो रीजन है, यहाँ पे पंजाब के अंदर तो रंजीत सिंह जी बैठे, पर साउथ वाला जो सिंध वाला रीजन होता है ये थोड़ा सा यहाँ पे वीक जाता है। तो यहां पे ये चाहते हैं अंग्रेज कि यहां पे इनकी जो सिंध के अंदर अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करें, यहां पे अपनी आर्मी डिप्लॉय करना चाहते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है इनकी प्लान के अंदर, इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है तब जब रंजीत सिंह जी एक फ्रंटियर जो टाउन होता है सिंध का रोजन, इसको कैप्चर कर लेते हैं। तो यहां पे पोटिंगर को दोबारा भेजा जाता है हैदराबाद। ये हैदराबाद, ये वाला हमारा साउथ वाला हैदराबाद नहीं है, ये पाकिस्तान का हैदराबाद है। और ये इनके साथ ट्रीटी करते हैं विद द अमीर्स और उनको ऑफर करते हैं कि भाई आपकी बस की बात नहीं है, आपको ऊपर कभी पंजाब वाले ये जो रंजीत सिंह कभी आके तुम्हारा सारा एरिया ले जाएंगे या फिर अफगान तुम पे इन्वेजन कर देंगे और रहे सहे तो यहाँ पे फ्रांसीसी या रशियन आ जाएंगे, तो आप क्या करो कि हमारी कंपनी की ट्रूप्स को यहाँ पे रहने दो। ठीक है, कंपनी ट्रूप्स आपके कैपिटल में रहेगी, आपके ही एक्सपेंस से रहेगी, हमारी ट्रूप्स आपकी यहाँ पे मदद करेगी, किसी का इन्वेजन होने नहीं देगी और इंग्लिश वुड बी गिवन सुटेबल कंसेशन, और उनको हम आपको कुछ यहाँ पे इसके बदले में कुछ कंसेशन दे देंगे, हमारी ट्रूप्स यहाँ पे आपके यहाँ पे रहेंगी। ठीक है, अमीर शुरू में तो कुछ इनको रिफ्यूज़ करते हैं कि भाई नहीं, पर बाद में इनको ये ट्रीटी साइन करनी पड़ती है 1838 के अंदर। जब उनको ये पॉसिबिलिटी लगती है कि रंजीत सिंह किससे मदद ले रहे हैं यहाँ पे, बाहरी लोगों से मदद ले रहे हैं और वो हम पे कभी भी इन्वेड कर जाएंगे, उनको अपने टेरिटरी का खतरा लगता है, तो फिर वो ये ट्रीटी साइन कर देते हैं 1838 के अंदर। ठीक है, अब ये ट्रीटी में क्या परमिशन मिल जाती है अंग्रेजों को कि वो एक तो उनकी इंटरनल जो भी डिस्प्यूट हो रही है अमीर्स के बीच में और सिक्स के बीच में वहां पे इंटरवीन कर सकते हैं। ठीक है, एंड अपनी प्रेजेंस, उनका एक ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा उनके कोर्ट के अंदर। ठीक है, उनकी ट्रूप्स रह रही हैं, उनका रेजिडेंट रह रहा है। ठीक है, तो एक टाइप का उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड हो गया, एक कठपुतली सरकार वहां पे उनकी शुरू होगी। ठीक है, अब दस सिंध वाज टर्न टू अ ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट, और अब सिंध क्या बन गया, ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट बन गया इन 1838 के अंदर। ठीक है, अब त्रिपार्टिट ट्रीटी होती है 1838 के अंदर, ये आगे आपको सिख वार के अंदर भी आएगी और यहां पे इसके अंदर भी ये त्रिपार्टिट ट्रीटी आएगी। अब ये क्यों होती है, टू एड्रेस द अफगान प्रॉब्लम, जो अफगानिस्तान के अंदर सक्सेशन की प्रॉब्लम चल रही होती है, कंपनी यहाँ पे फिर रिजॉर्ट करती है एक डुप्लीसिटी, मतलब अपना मन डुप्लीकेट रोल की यहाँ पे नकली टाइप का एक रोल कि हम यहाँ पे आपको मदद कर रहे हैं, यहाँ पे ये सब कुछ कर रहे हैं। मेन इनका होता है यहाँ पे अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना। सबसे पहले ये रंजीत सिंह के पास जाते हैं, उनको बोलते हैं कि आप ये ट्रिपार्टिट जो ट्रीटी है 1838 में साइन करो, एग्रीइंग टू द ब्रिटिश मीडिएशन। वो एग्री हो जाते हैं कि ब्रिटिश अब हमारे बीच में
हमारे बीच में जो एक मीडिएटर की तरह होगी, जो इनके साथ जो अमीर के साथ जो भी डिस्प्यूट है हम आपके सुलझाएंगे। रंजीत सिंह को जाके चापलूसी करना, भाई अमीर आपके ऊपर अटैक ना करें, हम आपको मीडिएट करेंगे, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। और फिर देन एम्परर शाह शुजा गिव अप हिज सोवेरियन राइट ऑन द सिंध। और जो एम्परर होता है शाह शुजा, वो भी अपने सोवेरियन जो राइट होते हैं यहाँ पे सिंध के अंदर, वो यहाँ पे गिव अप कर देता है अंग्रेजों को और प्रोवाइड करता है एरियर्स ऑफ ए ट्रिब्यूट वर पेड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रिब्यूट जो यहाँ पे जो एरियर्स इनके इकट्ठे हो गए, तो उनके अब यहाँ पे ये अपना जो यहाँ पे सोवेरियन राइट्स इनको दे देता है। एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ट्रिब्यूट वुड बी डिटरमाइंड बाय द इंग्लिश हुज मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि अब यहाँ पे जो इनको ट्रिब्यूट यहाँ से जो भी इनको पैसा मिलता है उसका वो किस में यूज़ करते हैं, जो अफगानिस्तान के अंदर जो वार होती है यहाँ से जो इनको ट्रिब्यूट मिलता है वो अफगानिस्तान वार से ये अफगानिस्तान के अंदर वार करने के लिए इस पैसे को खर्च करते हैं। ठीक है, एंड ऑब्टेन सो मच अमीर टेरिटरी एज वुड सिक्योर ए लाइन ऑफ ऑपरेशन बिटवीन अफगानिस्तान थ्रू द सिंध। ठीक है, तो अब ये जो अमीर की जो टेरिटरी थी ये इसको कैसे यहाँ पे अमीर की टेरिटरी से ही अफगानिस्तान, अगर अब ये आप देखेंगे कि जो अफगानिस्तान के साथ इनकी लड़ाई होती है तो ये सिंध वाले रीजन से ही अफगानिस्तान के साथ लड़ाई करते हैं, यहाँ पे इनको सोवेरियन राइट भी मिल गए हैं, यहाँ पे इन्होंने जो यहाँ पे इनके साथ जो रंजीत सिंह है इनके साथ में भी ट्रीटी कर लिया, अभी ये भी इनके बीच में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, ठीक है आप यहाँ पे साइलेंट रहिए, हम इधर जो भी कुछ करें हमें करने दो। अब सिंध एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस, सिंध जो है यहाँ पे सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, बहुत कंडीशन बहुत ज़्यादा उसमें प्रेशर में आने के बाद 1839 के अंदर कंपनी परसुएड या मना लेती है अमीर को कि टू पे द मनी एंड आल्सो टू कंसेंट फॉर एब्रोगेशन, या एक तो उन्हें पैसा दो, दूसरा कि जो आप ये जो एक आर्टिकल हटा दो, जो 1832 के अंदर आपने एक आर्टिकल डाला था उसको हटा दो कि हम यहाँ पे इंग्लिश ट्रूप जो है मूव नहीं कर सकती सिंध के अंदर बाय लैंड और रिवर के अंदर, क्योंकि पहले इन्होंने बोला था ना कि सिर्फ ट्रेडर्स मूव कर सकते हैं, ट्रूप्स या आर्मी या फिर ऐसा आप कोई फाइट करने के लिए नहीं मूव कर सकते, इस आर्टिकल को तो आप हटा दो। ठीक है, क्योंकि अब ये सिर्फ लड़ाई करने के मूड में होते हैं यहाँ पे अफगानिस्तान में। अमीर एक्सेप्ट कर लेते हैं इस ट्रीटी को 1839 के अंदर, ठीक है, क्योंकि उन्हें सुपीरियर फोर्स का थ्रेट होता है, ठीक है कि भाई हमसे ज़्यादा सुपीरियर है, कहेंगे हमारी टेरिटरी हमसे ना छीन ले। ठीक है, एंड वाई विच ब्रिटिश सब्सिडरी फोर्स जो होती है वो बिल्कुल अब यहाँ पे उनकी जो फोर्स होती है वो आके स्टेशन हो जाती हैं शिकरपुर एंड बुखर, और अमीर ऑफ द सिंध उनको एक तो यहाँ पे उनकी यहाँ पे टेरिटरी के अंदर यहाँ पे आके इनकी जो है ट्रूप्स आके सेटल हो गई हैं, दूसरा इनको पैसे देने पड़ रहे हैं 300,000 एनुअली, भी ये आर्मी की मेंटेनेंस चल रही है, उनके खाना पीना चल रहा है, उनके लिए इनको 300,000 देना पड़ता है इनकी मेंटेनेंस के लिए ऑफ द कंपनी ट्रूप्स। ठीक है, दोहरी मार इनके ऊपर, इसलिए अमीर डिबैड फॉर हैविंग एनी नेगोशिएशन विद द फॉरेन स्टेट विदाउट नॉन। अब यहां पे हमें कुछ अमीर को ये भी बोल दिया जाता है कि भाई आप कोई भी फॉरेन स्टेट पास में आपका पंजाब है अफगान है किसी के साथ आप कोई नेगोशिएशन कोई बातचीत किसी के साथ संधि करने की कोई कोशिश नहीं करेंगे, साथ ही साथ आप हमें एक स्टोर रूम प्रोवाइड करके देंगे कराची के अंदर जहाँ पे हम कंपनी के मिलिट्री सप्लाईज रखेंगे, और यहाँ पर आप सारे टोल हटा दो हमारे ऊपर इंडस से, और फर्निशिंग एंड एग्जिलरी फोर्स जो उनकी ऑग्जिलरी फोर्स को फर्निश करो फॉर अफगान वार के लिए, आप अपनी आर्मी भी हमें तैयार करके दो यहाँ पे जो हम तैयार करेंगे अफगानिस्तान के अंदर वार लड़ने के लिए। ठीक है, अगर हमें जब भी चाहिए तो आपकी एक तैयार होनी चाहिए, एक आर्मी भी तैयार होनी चाहिए। तो इतना सब कुछ ये ट्रीटी के अंदर कर दिया जाता है और उनको एक सब्सिडरी अलायंस हो जाता है सिंध का। कैपिटुलेशन ऑफ सिंध, मतलब कि जब सिंध ने अपना हथियार डाल दिए, ठीक है पूरी तरह से वो हथियार डाल दिए अंग्रेजों के सामने, इसमें वो कैसे होता है, फर्स्ट एंग्लो अफगान वार होती है 1839 से 42 के अंदर। ठीक है, वो कहाँ पे लड़ी गई होती है, सिंध के अंदर ही लड़ी गई होती है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया सिंध के अंदर ही लड़ाई लड़ी जाती है, ये अमीर्स को बिल्कुल भी पसंद में नहीं आता। ठीक है, अमीर यहाँ पे अमीर फिर यहाँ पे काफ़ी कोशिश भी करते हैं दूसरों के साथ यहाँ पे अलायंस बनाने की, तो एलन ब्रो यहाँ पे आते हैं
यहाँ पे बहुत ही, क्योंकि यहाँ पे जो हार होती है अफगानिस्तान वार के अंदर अंग्रेजों की, तो अब उनको और कुछ दिखता नहीं है, वो यहाँ पे कुछ और समझ में नहीं आता क्या करो, एक बार तो हार हो चुके हैं, चलो जाते जाते कुछ भी मिल जाए वही ठीक है, जाते जाते ये सिंध को कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, एलन ब्लो इस मतलब इतनी अपनी स्थिति में नहीं होते, अशांत होते हैं काफ़ी ज़्यादा, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, अफगान वार की रिवर्सेज काफ़ी ज़्यादा, इनको हार होती है, एंड सेंट ऑट्रम टू द सिंध टू नेगोशिएट अ ट्रीटी। अब यहाँ पे ऑट्रम को सिंध में भेजा जाता है और एक नई ट्रीटी यहाँ पे इनके साथ नेगोशिएट की जाती है। यहाँ पे अमीर को कि अपने काफ़ी सारे प्रोविंसेस को देना पड़ता है यहाँ पे इनको साथ, फॉर देयर पास्ट ट्रांसग्रेशन, मतलब पहले तुमने अलायंस बनाने की कोशिश, हमें धोखा देने की कोशिश करी है, एंड साथ के साथ तुम्हें हमें फ्यूल देना पड़ेगा कंपनी के स्टीमर को जो इंडस वैली में चल रहे थे, तो इंडस में चल रहे थे तो उनके स्टीमर को आपको फ्यूल भी हमें देना पड़ेगा, आप कोई भी कॉइन को माइनिंग नहीं कर सकते हो, मिंटिंग कॉइन, कोई भी कॉइन को मिंट नहीं कर सकते हो, एंड जो सक्सेशन का फर्दर मोर जो सक्सेशन का डिस्प्यूट चल रहा था इंग्लिश, उसके अंदर भी इंटरवाइन करते हैं थ्रू द नेपियर, नेपियर करता है उनके अंदर दखल देता है। ठीक है, एंड अमीर रोज इन, और उसकी वजह से अमीर यहाँ पे रिवोल्ट के अंदर आ जाता है, अंग्रेजों को चाहिए ये था इनको भड़काएं और हमारे पास तो आर्मी स्ट्रांग है, इनकी आर्मी से हराएं और फिर हम पूरी इनको कैप्चर कर लें, तो यहाँ पे सिंध को यहाँ पे अपने हथियार डालने पड़ते हैं, बहुत थोड़े से टाइम में इनको ये हरा देते हैं, अमीर को यहाँ पे कैप्टिव बंदी बना लिया जाता है और उन्हें सिंध से भगा दिया जाता है। ठीक है, 1843 के अंदर गवर्नर जनरल एलन ब्रो द सिंध वाज अंडर द गवर्नर जनरल, सिंध को मर्ज कर लिया जाता है ब्रिटिश एम्पायर के अंदर, और चार्ल्स नेपियर अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट गवर्नर। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं कि कहाँ तो इनको ये बेचारों ने यहाँ पे इनको जगह दी अफगानिस्तान के साथ लड़ने के लिए, कहाँ इन बेचारों से सब कुछ छीन लिया गया, शुरू से डराया धमका के रखा और बाद में इनसे सब कुछ छीन लिया गया। अब इस कॉन्क्वेस्ट का बहुत ही क्रिटिसिज्म होता है अंग्रेजों का कि भाई कोई बेचारों की गलती नहीं थी और फालतू में ही इनसे क्या कर लिया गया, ये अनेक्स कर लिया गया। ठीक, कॉजेज मतलब कि जो कॉजेज थे वो पूरे मैन्युफैक्चर्ड थे, मतलब कि यहाँ पे इनको बताया गया कि आपको इसका डर है उसका डर है, ये सारी इनकी मनमुटाए मनी गाथा थी अंग्रेजों की। ठीक है, ये इनके टैक्टिक्स थे, इनका षड्यंत्र था, इनकी कूटनीति थी ये सारी। ठीक है, और यहाँ पे यहाँ पे क्योंकि करा तो इन्होंने इसलिए था कि अफगान वार में लॉस हुआ था, इनका प्रेस्टीज काफ़ी कम हो गया था, तो इसको कंपनसेट करने के लिए इन्होंने ये सिंध ले दिया था। अब आती है कॉन्केस्ट ऑफ पंजाब, पंजाब को कॉन्केस्ट करने की बात, कंसोलिडेशन ऑफ पंजाब अंडर सिख, अब सिख्स के अंडर पंजाब का कंसोलिडेशन होता है। मर्डर जो सिख गुरु का होता है गुरु गोबिंद सिंह का, उसके बाद में हम देखते हैं कि बंदा बहादुर इसको लीड करते हैं, पर बंदा बहादुर को भी यहाँ पे डिफीट मिलती है फारूक सियार से और डेथ हो जाती है 1716 के अंदर। सिख पॉलिटी होती है वो बिल्कुल लीडरलेस हो जाती है और वो ग्रुप्स में बंट जाती है, बंदाई और तत्खालसा, बंदाई थोड़े जो लिबरल होते हैं कुछ नए विचारों के होते हैं, तत्खालसा बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स होते हैं, एक रिफ्ट पैदा हो जाता है 1721 तक आते आते, उसके बाद में इन्फ्लुएंस होता है बनी भाई मनी सिंह का। 1784 के अंदर कपूर सिंह फैजलपुरिया वो ऑर्गेनाइज करते हैं सिख को अंदर दल खालसा, 1784 के अंदर कपूर सिंह फैजलपुरिया ऑर्गेनाइज करते हैं सिख को दल खालसा के अंदर, ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि यूनाइट करें हम सिखिज्म को पॉलिटिकली भी कल्चरली भी और इकोनॉमिकली भी। सारी बॉडी जो होती है खालसा की दो सेक्शंस के अंदर डिवाइड हो जाती है, एक तो होता है बूढ़ा दल एक होता है तरुण दल, बूढ़ा दल मतलब कि जो बूढ़े लोग हैं, तरुण दल जो यंग लोग हैं। वीकनेस जो होती है मुगल्स की, अब यहाँ पे जब मुगल काफ़ी वीक हो रहे होते हैं और अहमद शाह अब्दाली बार बार यहाँ पे इन्वेडर्स आ रहे होते हैं, तो यहाँ पे सिख सोचते हैं कि अब हमें होल्ड अपनानी चाहिए, उनकी पॉलिटिकल कंडीशन हेल्प करती है उनको दल खालसा कंसोलिडेट फर्दर, अब उनसे फिर आगे ये और कंसोलिडेट होते हैं, सिख कंसोलिडेट हो जाते हैं अब मिसल्स के अंदर। ठीक है, मिसल्स क्या होता है, मिलिट्री ब्रदरहुड, इनको मिसल को कई बार इक्वल भी बोला जाता है, इक्वल हैं सभी, और मिसल को कई बार स्ट्रेट से भी बोला जाता है कि स्ट्रेट्स होते हैं। ठीक है, 1763 से लेके 1773 तक 10 सालों के अंदर मिसल रूल करती है पंजाब रीजन के अंदर 10 सालों में, अंडर द सिख चीफ्टन्स फ्रॉम सहारनपुर इन द ईस्ट, सहारनपुर ईस्ट में होता है, टू द अटक इन द वेस्ट, फ्रॉम द माउंटेनियस रीजन ऑफ नॉर्थ टू द मुल्तान इन द साउथ। ठीक है, ऊपर माउंटेनियस रीजन ऑफ द और नीचे होता है मुल्तान इनके साउथ के अंदर, तो ये इनका एक्सटेंशन होता है इन मिसल्स का। अब
अब देखेंगे ये एक्सटेंशन कैसे बढ़ेगा बहुत ज़्यादा रंजीत सिंह के अंडर। सुकर चकिया मिसल एंड रंजीत सिंह, अब ये बर्थ होता है रंजीत सिंह का 1780 के अंदर, तो उस टाइम पे 12 मिसल होते हैं। नाम याद रखें तो रखें, कोई रखने ज़रूरी नहीं है, बस ये इतने 12 इनके मिसल होते हैं इतना पता होना चाहिए, ठीक है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है मिसल का वो होता है गुरमट्टा संघ के अंदर, ठीक है। और ये एक पॉलिटिकली सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम होता है। रंजीत सिंह सन होते हैं महंत सिंह के और ये लीडर होते हैं सुकर चकिया मिसल के। जब इनके फादर डाइड होते हैं तो उसके बाद में उस टाइम रंजीत सिंह की उम्र सिर्फ 12 साल होती है। रंजीत सिंह की काफ़ी पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरेस्ट होते हैं, काफ़ी नॉलेज होती है उन्हें, ठीक है। और उस टाइम पर हम देखते हैं कि इस टाइम तक आते आते 18 सेंचुरी के क्लोज तक आते आते ये मिसलों के अंदर डिसइंटीग्रेशन होना शुरू हो जाता है, बट एक सुकर चकिया मिसल बचती है जो डिसइंटीग्रेट नहीं होती। अफगानिस्तान यहाँ पे अफगानिस्तान में उस टाइम पे सिविल वार चल रही होती है काफ़ी टाइम से 30 सालों तक, ठीक है। ये जो इवेंट्स होते हैं नेबरिंग रीजन्स में चल रहे होते हैं, रंजीत सिंह इसको पूरा फ़ायदा उठाते हैं यहाँ पे और अपनी ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी, ठीक है, ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी को अपनाते हैं और अपना एक नया रीजन पंजाब रीजन यहाँ पे अपना नया किंगडम स्थापित करते हैं। 1799 में रंजीत सिंह अपॉइंट होते हैं गवर्नर ऑफ लाहौर बाय जमन शाह रूलर ऑफ अफगानिस्तान। रूलर ऑफ अफगानिस्तान इन्हें गवर्नर बना देते हैं लाहौर का। 1805 में रंजीत सिंह एक्वायर करते हैं जम्मू कश्मीर को और पॉलिटिकल कैपिटल बनाते हैं लाहौर को और रिलीजियस कैपिटल बनाते हैं अमृतसर को, ठीक है। ये अच्छे रिलेशन बनाते हैं डोगरा, मतलब जो कश्मीर के अंदर जो डोगराज होते हैं और नेपालीज के अंदर, और इन्हें अपनी आर्मी में भी जगह देते हैं रंजीत सिंह और इंग्लिश। अब इनके बीच में क्या होता है कि जैसे हमने बताया पहले कि फ्रांस को और रशियन की जो इन्वेजन आने की यहाँ पे इनको प्रोस्पेक्ट होते हैं कि कहीं ये आ ना जाए, शंका होती है इन्हों, अंग्रेज काफ़ी यहाँ पे काफ़ी इनका पसीने उड़ जाता है यहाँ पे। 1807 में लॉर्ड मिंटो सेंट चार्ल्स मेटकाल्फ को लाहौर के अंदर भेजते हैं। रंजीत सिंह ऑफर उनका एक्सेप्ट करते हैं, मेटकाल्फ प्रपोजल टू ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव अलायंस, एक ऑफेंस और एक डिफेंस, ये डिफेंस दोनों अलायंस करते हैं, ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव अलायंस ऑन द कंडीशन, एक कंडीशन रखते हैं दैट इंग्लिश वुड रिमेन न्यूट्रल इन अ केस ऑफ सिख अफगान। अगर सिखों और अफगानों के बीच में अगर कोई भी वार होती है तो अंग्रेजों को यह हिदायत दी जाती है कि आपको बिल्कुल न्यूट्रल रहना एंड वुड कंसिडर, और रंजीत सिंह को सोवेरियन लीडर मानना है एंटायर पंजाब का इंक्लूडिंग मालवा को भी, ठीक है। तो ये एक दोनों टाइप की ऑफेंसिव डिफेंस। एंड However, जो नेगोशिएशन बाद में हम देखते हैं कि ये नेगोशिएशन फेल हो जाते हैं, ये ऐसे नेगोशिएशंस होती हैं, पर अंग्रेज यहाँ पे उनको मालवा का रीजन तो कहाँ से दे देंगे, तो नेगोशिएशन बाद में फेल हो जाती हैं। बट जब नेपोलियन का डेंजर होता है कि नेपोलियन कहीं ना आ जाए तो दोबारा से ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 के अंदर विद द कंपनी के साथ ये ट्रीटी की जाती है, ठीक है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। अब ट्रीटी ऑफ अमृतसर के अंदर क्या होता है कि सिग्निफिकेंट विद द इमीडिएट एज वेल एज पोटेंशियल इफेक्ट होता है, इट्स चेक्ड वन ऑफ द मोस्ट चेरिश्ड। अब यहाँ पे जो एक लगाम लगती है रंजीत सिंह के एम्बिशन को, क्योंकि वो पूरे जो सिख समुदाय जहाँ पे रह रहा होता है वहाँ पे अपना पूरा रूल स्थापित करना चाहते हैं, बट यहाँ पे उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि वो सतलुज की बाउंड्री क्रॉस नहीं करेंगे, सतलुज से आगे नहीं आएंगे, ठीक है। यहाँ पे ट्रीटी ऑफ अमृतसर में ये कहा जाता है कि इससे आगे ये नहीं आएंगे एंड हिज एनर्जीज टू अब वेस्ट के अंदर आप जा सकते हैं, कैप्चर करते हैं मुल्तान को, कश्मीर को एंड पेशावर को, बट ये सतलुज से इधर नहीं आ सकते। जून 1838 के अंदर रंजीत सिंह कंपेल्ड बाय पॉलिटिकल कंपल्शन टू साइन अ ट्री पार्टेड ट्रीटी, जो हमने पहले पढ़ी थी ट्री पार्टेड ट्रीटी, इन्हें साइन करनी पड़ती है अंग्रेजों के साथ। ये रिफ्यूज करते हैं कि भाई वो पैसेज नहीं देंगे ब्रिटिश आर्मी को अपनी टेरिटरीज में, और दोस्त मोहम्मद को, मतलब जो अफगान का अमीर होता है उसको मतलब उसकी टेरिटरी को अटैक करने के लिए हम आपको पैसेज नहीं देंगे, कंपल्शंस में इन्हें ये ट्रीटी साइन करनी पड़ती है। रिलेशंस होते हैं जो रंजीत सिंह के कंपनी के साथ 1809 से 39 के अंदर वो पूरी तरह से इंडिकेट करते हैं कि इस टाइम जो रंजीत सिंह होते हैं थोड़े कमज़ोर पड़ चुके होते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्हें अंग्रेजों की बात माननी पड़ती है। सतलुज तक कहा तो वहाँ तक रुक गए, अगर इन्हें पैसेज देने की बात करी तो पैसेज भी देना पड़ा, क्योंकि जैसे हम देखते हैं अफगान वार हुई थी तो यहाँ पे इनका पैसेज तो हो ही गया था, ठीक है। बट यहाँ पे रंजीत सिंह ने एक गलती कर दी थी कि
कि इन्होंने जो हमारे इंडिजीनियस रूलर थे, इधर जो हमारे जो रूलर्स बैठे थे, इनके साथ अलायंस नहीं की और अपने आप को स्ट्रांग करने की कोशिश नहीं की, और इनके बाद में जब इनकी डेथ होती है तो यहाँ पे बिल्कुल क्रम्बल हो जाता है इनका एम्पायर। पंजाब आफ्टर रंजीत सिंह बिगनिंग ऑफ अ कोर्ट फैक्शन, सबसे पहले तो इनके अंदर फैक्शन होने शुरू हो जाते हैं। सक्सेसर जो आते हैं इनके खड़क सिंह, वो एफिशिएंट नहीं होते, और खड़क सिंह की एकदम से सडन डेथ हो जाती है 1839 की, और उनके सन की भी डेथ हो जाती है प्रिंस नवनिहाल सिंह। ठीक है, तो बिल्कुल अब समझ में नहीं आती कौन रूल करेगा, हर कोई कैप्चर करना चाहता है थ्रोन को। अंग्रेजों को अच्छा मौका मिलता है कि ठीक है अब हम आओ अपना रोल प्ले करो। यहाँ पे आर्मी होती है इस टाइम पे काफ़ी वीक हो चुकी होती है, क्योंकि जो रंजीत सिंह के एबल जनरल थे उन सभी की डेथ हो चुकी होती है। मोहन चंद एंड दीवान चंद, हरि सिंह नलवा, ये सभी की इनकी इस टाइम पे डेथ हो चुकी होती है। एक इनके अंदर डिस्कंटेंट ये भी होता है क्योंकि इनको इरेगुलर पेमेंट, इनको पेमेंट नहीं मिल रही होती इनकी आर्मी को, और अनवर्दी ऑफिसर्स आके बैठ चुके होते हैं। लाहौर जो गवर्नमेंट होती हैं वो कंटिन्यू करती हैं पॉलिसी ऑफ फ्रेंडशिप इंग्लिश कंपनी के साथ, अब ये फ्रेंडशिप कंटिन्यू करती हैं और ब्रिटिश ट्रूप को परमिट कर देती है कि आप उनकी टेरिटरी से पास होके जा सकते हैं, एक बार पास हो सकते हैं आप। ठीक है, पर जब ये पास होते हैं और आते हैं तो यहाँ पे इनको बहुत हलचल मल जाती है पंजाब स्टेट के अंदर। बात आती है रानी चिंदाल एंड दिलीप सिंह। अब यहाँ पे नवनिहाल की डेथ के बाद में उनके दूसरे जो बेटे होते हैं शेर सिंह, यहाँ पे सक्सीड करते हैं रंजीत सिंह को, बट उनका भी मर्डर हो जाता है 1843 के अंदर। उसके बाद में दिलीप सिंह, बहुत ही माइनर सन होते हैं रंजीत सिंह के, वो यहाँ पे राजगद्दी पे बिठाए जाते हैं, और उनकी जो माता होती है रानी जिंदान वो यहाँ पे रेजेंट बन के काम करती है, एंड यहाँ पे हीरा सिंह डोगरा वो उनके वजीर बनते हैं, बट हीरा सिंह डोगरा की भी डेथ हो जाती है 1844 में, उनका मर्डर कर दिया जाता है। नए वजीर आते हैं जवाहर सिंह, जो ब्रदर होते हैं रानी जिंदान के, उनके भी उनको भी मर्डर हो जाता है। उसके बाद में नए वजीर आते हैं लाल सिंह, इनकी भी डेथ हो जाती है, और लास्ट में आते हैं लाल सिंह यहाँ पे वजीर बनते हैं और तेजा सिंह इनके कमांडर बनते हैं। तो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रही है, मैं खुद ही बोल रही हूँ कौन मर रहा है कौन जिंदा रह रहा है। ठीक है, उसके बाद आती है फर्स्ट एंग्लो सिख वार 1845 से 1846 के बीच में। कॉज क्या होता है? कॉज होता है एक्शन ऑफ, यहाँ पे वो जो सिख आर्मी होती है क्रॉस कर देती है रिवर सतलुज को 1845 के अंदर। तो यहाँ पे अंग्रेजों पूरा जस्टिफाइड हो जाते हैं, भाई आपको हमने बोला था ट्रीटी के अनुसार कि सतलुज नहीं क्रॉस करनी थी, क्यों कर क्या है, अब हम तुम पे वार करेंगे। तो उनको पूरा मौका मिल जाता है वार करने का। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिचुएशंस होती हैं और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, कॉजेज जो होते थे और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉजेज भी थे। एक तो एनार्की जो लाहौर के अंदर, कि कोई एबल रूलर नहीं होता, एनार्की पूरी डिसाइड नहीं होती। एक सस्पिशंस होता है सिख आर्मी को कि भाई ये जो अफगानिस्तान को जब इन्होंने एनेक्स करने की कोशिश करी थी उनके ऊपर वार करने की, भी कहीं हमारे ऊपर ये वार ना कर दे, तो हमें तो पहले इनके ऊपर वार कर देना चाहिए। एक जो इंग्लिश ट्रूप बढ़ती जा रही थी लाहौर किंगडम के बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर, तो इनको डर होता है कि ये कभी भी हमें यहाँ पे हमारे ऊपर यहाँ पे ये लड़ाई छेड़ सकते हैं। वार का कोज क्या होता है? दिसंबर 1845 के अंदर यहाँ पे सिख जो होते हैं 50,000 की इनके पास ट्रूप होती है, अंग्रेजों के पास 20,000 से 30,000 लोग ही होते हैं। बट यहाँ पे इनको यहाँ पे धोखा दिया जाता है सिखों को, खुद के ही यहाँ पे इनके जो कमांडर्स के द्वारा, लाल सिंह और तेजा सिंह के द्वारा, और इनकी डिफीट होती है हर जगह पे। सिख एट मुड़की के अंदर, फिरोजशाह के अंदर, बुढ़ेवल के अंदर, अलीवल के अंदर, सोबराओं के अंदर, ठीक है, और लाहौर यहाँ पे जो उनकी जो कैपिटल होती है फेल टू द ब्रिटिश फोर्सेज, वो पूरी ब्रिटिश फोर्सेज के हाथों में आ जाती है 1846 के अंदर विदाउट अ फाइट, बिना कोई लड़ाई लड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पे इनके अंदर कॉन्स्पिरेसी होती है। ट्रीटी ऑफ लाहौर, उसके बाद में ट्रीटी ऑफ लाहौर साउंड होती है 1846 के अंदर। अब इसमें क्या बोला, बहुत ही ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी होती है, जैसे ट्रीटी ऑफ वर्सायलिस होती है ना, वैसे ही ये बहुत ही ह्यूमिलेटिंग होती है। यहाँ पे उनको बोला जाता है भैया आपके ऊपर पूरा वार का, आपने वार करवाई है सब कुछ, तो अब आप इनका पैसे का हर्जाना भरिए, 1 करोड़ रुपये दीजिए आप। जलंधर जो दोआब है बीज और सतलुज के बीच में, वो कंपनी के हाथों आ जाता है। ब्रिटिश रेजिडेंट होगा वो एस्टेब्लिश होता है लाहौर के अंदर, वो होते हैं हेनरी लॉरेंस, ये रहेगा हम आपके कोर्ट के अंदर। सिख जो आर्मी है उनकी स्ट्रेंथ अब रिड्यूस कर दी जाती है। दिलीप सिंह को रिकॉग्नाइज किया जाता है रूलर, और रानी जिंदान को रिएजेंट माना जाता है, और लाल सिंह को उनका वजीर बनाया जाता है। सिख अब यहाँ पे सिखों के पास इतने एबल नहीं होते कि वो 1 करोड़ रुपया उनको दे दे, तो वो क्या कर देते हैं, जम्मू कश्मीर जो होता है अपना, जम्मू कश्मीर इंक्लूडिंग द जम्मू, वो गुलाब सिंह को यहाँ पे ये बेच देते हैं। ठीक है,
75 और उन्हें बोलते हैं कि हमने आपको ये जगह दे दी, इसके बदले में आप 75 लाख रुपए किसको दे देना, अंग्रेजों को दे देना, ठीक है भाई, हम अपना ये एरिया दे देते हैं गुलाब सिंह, और गुलाब सिंह अपने आप पैसे देगा 75 लाख रुपए अंग्रेजों को, ठीक है। तो इसके लिए भी एक सेपरेट ट्रीटी होती है 1846 के अंदर। अब ट्रीटी ऑफ भैरोंवल, सिख सेटिस्फाइड नहीं होते ट्रीटी ऑफ लाहौर के ओवर द इशू ऑफ कश्मीर के अंदर, ठीक है, कि भाई वो दे दिया जाए, इसलिए ये रेबेलियन करते हैं कि हमारा ये सिख यहाँ पे अब इस ट्रीटी से खुश नहीं होते, तो सिख रेबेलियन करते हैं, भाई हमारे ये रीजन कैसे चला गया। दिसंबर 1846 के अंदर रानी जिंदान को यहाँ पे फिर रिबेलियन के बाद में रानी जिंदान को रिमूव्ड कर दिया जाता है रीजेंट से, और जो एरिया होता है कोर्ट होती है किसके अंदर आ जाती है, काउंसिल ऑफ रिजेंसी फॉर पंजाब बिठाई जाती है, सेटअप की जाती है, काउंसिल में 8 सिख सरदार होते हैं और उनको प्रिसाइड कर रहा होता है इंग्लिश रेजिडेंट जो होता है हेनरी लॉरेंस, ठीक है, मतलब कि अल्टीमेट अथॉरिटी आ गई अब यहाँ पे अंग्रेजों की, ठीक है। नेक्स्ट आती है अब एंग्लो सेकेंड एंग्लो सिख वार 1848 से 1849 के अंदर। कॉजेज होता है इसका, कॉजेज वही जो पहली डिफीट जो हुई थी उनकी फर्स्ट एंग्लो वार, वही डिफीट, क्योंकि जो उनकी रानी जिंदान होती है उनके साथ बहुत ही इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया जाता है, उनको बनारस भेज दिया जाता है, उनको पेंशनर बना दिया जाता है, और ये मतलब सिखों को बहुत मतलब कि आग बबूला कर देने वाली बात होती है। मूल राज जो गवर्नर होते हैं मुल्तान के, उनको रिप्लेस करके नया सिख गवर्नर आता है, ओवर द इशू ऑफ इंक्रीज इन एनुअल रेवेन्यू जब बढ़ाया जाता है और वो नहीं पे करते तो उनको रिप्लेस करके एक नया यहाँ पे गवर्नर बिठा दिया जाता है, और फिर ये मर्डर करते हैं मूल राज इसके एवज में रिवोल्ट करते हैं और 2 इंग्लिश ऑफिसर्स को यहाँ पे मर्डर कर देते हैं विद जो नया गवर्नर आता है उसको भी। शेर सिंह सेंट टू, अब शेर सिंह को भेजा जाता है अंग्रेजों के द्वारा कि जाइए आप रिप्रेस करिए रिवोल्ट, तो शेर सिंह खुद जाके मूल राज के साथ मिल जाते हैं और यहाँ पे मास अपराइजिंग होती है मुल्तान के अंदर, ठीक है। ये इसको इमीडिएट कोज ऑफ वार माना जाता है। उसके बाद में 2 गवर्नर जनरल होते हैं इंडिया के, लॉर्ड डलहौजी, अब उनको वो तो एक्सपेंशनिस्ट होती है उनकी तो पॉलिसी, अब उनको एक मौका मिल जाता है ये एक कि भाई अब जाओ और पंजाब को पूरा का पूरा अनेक्स ही कर लो, कुछ नहीं बात तो इनकी माननी है। कोर्स ऑफ द वॉर लॉर्ड डलहौजी खुद जाता है यहाँ पे पंजाब की तरफ प्रोसीड करते हैं। 3 इंपॉर्टेंट बैटल्स होती है इनके बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज द बैटल ऑफ रामनगर, ठीक है, जो कौन लीड कर रहा था, सर ह्यूग्रो। नेक्स्ट इज बैटल ऑफ चिलमवाड़ा जो जनवरी 1849 के अंदर होती है, एंड बैटल ऑफ गुजरात, ये गुजरात वाला जो स्टेट है वो नहीं है, ये पंजाब के अंदर जो गुजरात है उसकी बात हो रही है। गुजरात एक छोटा टाउन होता है ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर झेलम, ठीक है। तो यहाँ पे सिख्स आर्मी को सरेंडर करना पड़ता है रावलपिंडी के अंदर, और एंड देर अफगान अराइज तो भाग जाते हैं, चेज आउट ऑफ इंडिया, इंडिया से भाग जाते हैं। रिजल्ट क्या होता है, सिख्स को सरेंडर करना पड़ता है एंड शेर सिंह इन 1849, शेर सिंह को भी अनेक्सेशन, पंजाब का पूरा अनेक्सेशन हो जाता है। सेटिंग अप ऑफ 3 मेंबर बोर्ड, 3 मेंबर का बोर्ड बनाया जाता है पंजाब के अंदर, जिसमें से कौन कौन होते हैं, लॉरेंस ब्रदर होते हैं, एक तो हेनरी लॉरेंस एंड जॉन लॉरेंस, और साथ में चार्ल्स मैंसन। 1853 के अंदर बोर्ड को भी नलीफाइड कर दिया जाता है और पंजाब किसके अंदर आ जाता है, चीफ कमिश्नर के अंदर, जो होते हैं जॉन लॉरेंस बिकम द फर्स्ट चीफ कमिश्नर, ठीक है। ये होती है हमारी जो दो यहाँ पे एंग्लो सिख वार। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, इसकी इंपॉर्टेंस ये थी कि अभी ताज़ा 1859 के अंदर या 1849 के अंदर ये रिवोल्ट हुई है, 1853 के अंदर यहाँ पे कमिश्नर आया है चीफ कमिश्नर, तो 1857 की रिवोल्ट के अंदर जो ये जो सिख वाला रीजन है ये बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करता रिवोल्ट के अंदर, ठीक है, ये बिल्कुल भी भाग नहीं ले रहा होता क्योंकि यहाँ पे अभी इनको सप्रेस किया होता है, अभी इनके घाव ताजा ही होते हैं, ठीक है। तो ये इनका मेन ये रहा होता है कि यहाँ पे से कोई अपराइजिंग नहीं होती। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कि कौन सी ब्रिटिश पैरामाउंसी के लिए कौन सी वो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी बनाते हैं, पॉलिसी ऑफ रिंग ऑफ फेंस, और इनके जो हमारे जो नेबर स्टेट है उनके साथ रिलेशंस कैसे होते हैं, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे जो हमारा लास्ट पार्ट भी होगा इस चैप्टर का। तो सो स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर द लास्ट टॉपिक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।